हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाले बचपाड़ी वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। और भाई आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 हाफ ईयरली का एसएसटी का फुल एंड फुल पेपर लीक भाई आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए जो आपके बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने आज की वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख ली तो भाई साहब इससे बाहर आपके एसएसटी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। और मैं कोई टिपिकल वो पेपर लीक वगैरह नहीं करने वाला कि मैं तुम्हें क्वेश्चन वगैरह उठा के दे दूं ना भाई, हम तुम्हें वो चीज बताएंगे जिस पॉइंट से जिस टॉपिक से आपका हाफ ईयरली के अंदर क्वेश्चन बनने वाला और 100% भाई वहां से क्वेश्चन आपका पुट ऑन होगा हाफ ईयरली के अंदर। तो भैया चलिए चालू करते हैं। और उससे पहले बता दूं जनाब, अगर आप नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में लगती है आप बहुत मेहनत। और अपने उस नालायक दोस्त को जरूर शेयर कर देना जिसने हाफ ईयरली के लिए कोई तैयारी नहीं करी है। एंड आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे और भी रिसोर्सेज उसके बारे में हम डिस्कस साथ में कर रहे होंगे। तो चलिए भाई चालू करते हैं। आर यू रेडी एवरीवन? लेट्स गो पचपाड़ी। तो चलिए भाई चालू करते हैं भैया आपका एसएसटी का पेपर लीक। और पहला चैप्टर आपका हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब भैया देखो हाफ ईयरली के सिलेबस के हिसाब से हमने कुछ ही चैप्टर्स उठाए हैं, जैसे कि हमने हर उससे आपका हिस्ट्री से हो गया, आपका ज्योग्राफी से हो गया, आपका सिविक्स से हो गया, हमने जो होता है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को लिया है, ठीक है। हमने जो होता है और कोई चैप्टर्स को पुट ऑन नहीं करा है क्योंकि आपका हाफ ईयरली में उतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए भाई एसएसटी का पेपर लीक स्टार्ट करते हैं। आपका हिस्ट्री पोर्शन, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपका इसमें सबसे पहला जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा वो आपका क्वेश्चन आएगा गिव द आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ज्यादा इससे बाहर तो कोई आएगा ही नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जो आपका आना ही आना है, इस क्वेश्चन को तुम स्किप नहीं कर सकते, कोई टीचर इसको स्किप नहीं करेगा क्योंकि पता है इसे इसे याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम इनसे पढ़ रहे हो नोट्स वगैरह तो तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ला सेटो एन एम्फसाइज और न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द स्टेट जनरल्स को जो होता है भैया रीनेम कर दिया गया था नेशनल असेंबली के तौर पर, नई हाइम्स को कंपोज किया गया था, ओथ्स को टेकन लिया जा रहा था भैया, मार्टियर्स को कमेमोरेट कर रहे थे, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है भैया सभी लोगों को क्लियर है, ओके। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ओथ्स टेकन मास्टर्स कमोमेमोरेटेड, सब कुछ नेशन के नाम पे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो होता है भैया यूनिफॉर्म लॉस के तौर पे पुट ऑन किया गया था। साथ साथ में देखा जाए तो भैया आपका इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को जो होता है हटा दिया गया था, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। अब उसके बाद में भैया एनसीईआरटी के अंदर ये एक टाइमलाइन दी हुई है सम इंपॉर्टेंट डेट्स, इसके अंदर तुम्हें ये जो डेट्स हैं यही बस पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इससे बाहर कोई भी डेट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी अगर मुझसे पूछोगे सर हमें और इंपॉर्टेंट डेट्स बता दो, सर हमको नहीं याद होती हैं डेट्स, तो भैया सिंपल सी बात है इसमें से ये वाली इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लेना। हाँ 1815 याद कर लेना, ठीक है, और 1821 याद कर लेना, उसके बाद में 1870 याद कर लेना और 1871 याद कर लेना। इसमें एक डेट नहीं लिखी है वो मैं लिख देता हूँ, आपकी जो डेट नहीं लिखी है इसमें वो है आपका 1804, क्या हुआ था भैया नेपोलियनिक कोड, ठीक है, ये याद और कर लेना, ठीक है मेरी जान। तो ये चीज़ आप अगर याद कर लोगे दैट्स ऑल फॉर यू, ओके। अब आप इतना कर लेंगे देन आपका डन डना डन डन मामला है। उसके बाद में देखो भैया नेपोलियनिक कोड की बात करी मैंने, तो नेपोलियनिक कोड के अंदर तुम्हें याद रखना है भारत पेट्रोलियम, क्या याद रखना है तुम्हें भारत पेट्रोलियम BPL, भारत पेट्रोलियम, ठीक है। आपका जो होता है इसमें क्या था नेपोलियनिक कोड के अंदर जो 3 सबसे ज़्यादा उसके रेवोल्यूशनरी मेजर्स थे वो हमारे यहाँ पे आते हैं, दैट इज आपका सारे के सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ उसने हटा दिए थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, ये सारे के सारे काम उसने रखे थे। तो BPL याद रखोगे भारत पेट्रोलियम, उसने क्या खोला था फ्रांस के अंदर, उसने फ्रांस के अंदर भारत पेट्रोलियम खोला था भैया, ठीक है। चलो अब जो होता है भैया यहाँ पे क्या कहते हैं एक और चीज है भाई जो है आपका मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग, ओके, लिबरलिज्म का मीनिंग कैसा मीनिंग भैया, लिबरलिज्म का मीनिंग फॉर डिफरेंट सोसाइटीज। अब मतलब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन तक में इसको आता हुआ देखा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा इस पॉइंट को स्किप कर जाता है और जनरली बच्चों को ये पॉइंट याद भी नहीं रहता कि भैया लिबरलिज्म का अलग अलग सोसाइटी के लिए मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो अलग अलग सोसाइटी के लिए मतलब। देखो मेरी जान यहाँ पे जो होता है लिबरलिज्म का न्यू मिडिल क्लास के लिए अलग मतलब निकलता है और पॉलिटिकली लिबरलिज्म का अलग मतलब निकलता है। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब है, न्यू मिडिल क्लास के लिए मतलब है भैया इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और पॉलिटिकली इसका मतलब होता है भैया गवर्नमेंट बाय पीपल, क्लियर है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करके रखना है। और मेरी जान ट्रीटी ऑफ वियना 1815, इसकी सबसे पहली बात तो ये याद रखो 1815 इसके अंदर क्या हुआ था, ये पॉइंट्स 3-4 में क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, नेपोलियन के डिफीट के बाद, नेपोलियन की डिफीट कहाँ हुई थी भैया, वाटरलू में हुई थी, क्वेश्चन एक मार्क्स का आ सकता है। नेपोलियन की डिफीट में कौन कौन जो होता है इन्वॉल्व था, तो नेपोलियन के ऊपर बर्फ गए थे,
ठीक है, बर्पा बर्पा नेपोलियन के ऊपर कौन बर्पा, जैसे कहते नहीं है पापा तुम्हारे ऊपर गुस्से में बर्फ गए, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से तुम्हें जो होता है गुस्सा तुम्हारे ऊपर फूट पड़ा, ठीक है, तो नेपोलियन के ऊपर कौन फूटा, बी से ब्रिटेन, आर से रशिया, पी से पर्शिया, ए से ऑस्ट्रिया, ओह ये ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर भैया आपके चार पॉइंट्स आते हैं, इसमें जो होता है सबसे पहले नेपोलियन को हराने के बाद में जो बर्बन डायनेस्टी पुरानी चल रही थी जिसके अंदर लुई 16 आया, क्लास 9 का चैप्टर याद आया, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी को डिस्पोज कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा, उसको जो होता है फिर से पावर के अंदर लेके आए गए, फ्रांस ने जो होता है अपनी टेरिटरीज को लॉस कर दिया जो कि नेपोलियन के अंदर उसने गेन करी थी। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो भैया तो मैं थोड़ी सी वीडियो को स्लो करना पड़ सकता है क्योंकि भैया मैं यहां पे बहुत फास्टली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। नेपोलियन ने जब अपने टाइम में 1804 के बाद में जब उसने नेपोलियनिक कोड को लॉन्च करा था उसके बाद में भाई साहब उसने जो होता है वो अल्टीमेटली एक्सपेंशन करा था फ्रांस का, तो फ्रांस का जब उसने एक्सपेंशन करा था तो फ्रांस की बाउंड्रीज उस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रही थी, तो अब जब ट्रीटी ऑफ वियना को रखा गया तो ट्रीटी ऑफ वियना ने वो फ्रांस की बाउंड्रीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक जगह पे, सीरीज ऑफ स्टेट की बाउंड्रीज को सेटअप कर दिया गया कि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपेंड ना कर सके, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन के टाइम में फ्रांस ने अल्टीमेट एक्सपेंड करा था। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो कि 39 स्टेट्स का बनाया गया था नेपोलियन द्वारा उसको अनटच रखा गया, उसको अनटच छोड़ दिया, ठीक है। अब भैया रेवोल्यूशनरीज का चैप्टर, रेवोल्यूशनरीज का टॉपिक आता है, इन रेवोल्यूशनरीज टॉपिक तुम्हें याद रखना है भैया मिजानी, मिजानी के बारे में तुम्हें क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट ये है, इसको मेटरनिच चचा ने सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी बताया है सोशल ऑर्डर का। मेटरनिच का एक और स्टेटमेंट याद रख लेना कि मेटरनिच ने कहा था जब फ्रांस स्नीज करता है, क्या स्नीज करता है भैया, फ्रांस छींकता अच्छी तो पूरे के पूरे यूरोप को जुखाम होना तय है, ठीक है, तो ये उसने बात करी थी मेटरनिच के बारे में, याद रख लेना इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यंग इटली एंड यंग यूरोप के ऊपर पूछा जा सकता है या मेटरनिच का पूछा जा सकता है, भैया गिव दिस ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ मेटरनिच, तो तुम्हें उसमें जो होता है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट डाल दोगे, 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है मेरे जान। तो भाई साहब अगर जो होता है तुम ये मेन एग्जामिनेशन में भी डालते हो ना मेरे लाल, अगर तुम्हारा जो क्या कहते हैं भाई सीबीएसई का एग्जामिनेशन है उसमें भी डालते हो, सो यू विल गेट द 5 मार्क्स, बट इन हाफ ईयरली ऑल्सो यू 6 मार्क्स डाल देना भाई, तो ये पॉइंट याद कर लो, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसमें जो होता है भाई साहब आपका क्या कहते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किसने कराया था ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस का वॉर चल रहा है, उसके बाद में भैया जो होता है वो बिस्मार्क, ऑटोवान बिस्मार्क जो होता है वो नया जर्मन एम्पायर बनता है, ठीक है। अब जो होता है भाई ऑटोवान बिस्मार्क ने मेन क्या कहते हैं यहाँ पे रोल, सॉरी ठीक है, यहाँ पे जो होता है मेन रोल हमारा ऑटोवान बिस्मार्क, थोड़ी ना जर्मन का एम्पायर बनता है, केसर विलियम फर्स्ट बनते हैं जर्मन के एम्पायर, भाई क्या बोलते हो, ठीक है। ऑटोवान बिस्मार्क ने मेन यहाँ पे जो होता है भाई रोल निभाया है, उसने अपनी डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेसी का पूरा का पूरा भैया जो होता है वो सहारा लिया, डिप्लोमेसी का, ब्यूरोक्रेसी का, उसने अपना जो होता है इसकी मदद से पर्शियन आर्मी को लड़ा दिया भैया, और पर्शियन आर्मी ने जो होता है ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ में क्या कहते हैं वॉर लड़े 7 साल तक, और अल्टीमेटली जर्मनी की विक्ट्री हो, पर्शिया की विक्ट्री होती है। पर्शिया किसके साथ है, ऑटोवान बिस्मार्क के साथ, ऑटोवान बिस्मार्क किसके साथ है, जर्मनी के साथ, तो भैया जर्मनी की विक्ट्री हो जाती है, जीत गए, ठीक है। ऐसे करके केसर विलियम फर्स्ट बनते हैं किंग, ज्यादा हो गया, ठीक है, चलो आओ। इटली के मतलब जो होता है यूनिफिकेशन में रोल ऑफ मिजानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ, रोल ऑफ केवर भी इंपॉर्टेंट है इटली के रेवोल्यूशन में, उसके बाद में भैया रोल ऑफ गरिबाल्डी भी इंपॉर्टेंट है, गरिबाल्डी, इसको कुछ लोग गरिबाल्डी कहते हैं, गरीब कहते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है, तो तुम्हें जो कहना है कह लो, गरीब कहना है, गरिबाल्डी कहना है या गरिबाल्डी कहना है, तो इसमें तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फिगर। अच्छा गरिबाल्डी के बारे में एक बात याद रख लेना, हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, हीरो ऑफ रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, हीरो ऑफ रेड शर्ट मूवमेंट, क्लियर है, ठीक है, ओके। एक ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है कि भैया गरिबाल्डी यहाँ पे किंग विक्टर को जो होता है वो सेरिडिनिया पेडमोंट के जो किंग थे उनको जो होता है बूट पहनाने में मदद कर रहे हैं, जिस बूट का नाम देख रहे हो ध्यान से, ओ ये ITALY, अबे NCERT इतनी डिटेल में इमेजेस देती है लेकिन NCERT रामलाल अबे इसको जो होता है ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं छाप मिलती हैं, ठीक है, जिस हिंदी इमेजेस छापते हैं कि भाई साहब एक तो जो होता है बच्चे को ऊपर से तुम्हारा हाफ जब मेन पेपर आता है ना बोर्ड का उसमें तो भाई साहब ये इटली छोड़ो उसकी जगह काला ही दिखता है पूरा, ठीक है, फिर उसमें पूछते हैं भाई साहब क्या है बता रही है ये इमेज, अगर तुम पहले से नहीं पढ़े हुए तो ये तो इमेज को तो एनालाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे तो है हमारी CBSE, लेकिन CBSE है जैसी जैसी है भाई, CBSE है, क्या कर सकते हैं। अब हमारी ये जर्मनिया के भैया क्या कहते हैं, जर्मनिया है ये हमारी जर्मन की एलिगरी, इंपॉर्टेंट है इसकी, क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जो बॉक्स 3 में बातें लिखी ये इंपॉर्टेंट है, क्या बातें लिखी हैं, ब्रोकन चेन्स किसको एट्रीब्यूट करता है, बींग फ्रीड, कैसे पूछा जा सकता है, अब MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोकन चेन्स और क्या कहते हैं
आपका जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ जो कि ब्रेस्ट प्लेट है विद ईगल, आपका क्राउन ऑफ ओक लीव, स्वॉर्ड, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ब्लैक रेड ट्राइकलर, किसको बता रहा है ये? रेजिंग सन को पूछा जाता है, नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो, ये देखो ईगल बना हुआ है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ओके, जर्मन फ्लैग है, ये देखो ब्रोकन चेन्स, ब्रोकन चेन्स, ठीक है, मेरी राइटिंग में मत ठीक है। अब आ जाओ भैया चैप्टर नंबर टू, हमारे गांधी जी के वाले चैप्टर पे। गांधी जी वाले चैप्टर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये पॉइंट्स आते हैं। कौन से पॉइंट्स आते हैं कि भैया इंडिया के अंदर स्टार्टिंग ऑफ नेशनलिज्म क्यों हुई, कहाँ से हुई, ये पूछ लेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द स्टार्टिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो तुम कैसे करके बताओगे स्टार्टिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया को? देखो ऐसे करके बताओगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से तुम स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारी स्टार्टिंग होनी है पूरी की पूरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि भैया ब्रिटिश को ह्यूज इनकम लॉस हुआ था, क्योंकि वो वॉर लड़ रहे थे। अब वॉर लड़ते हुए जब उनको इनकम लॉस हुआ तो उनको वो इनकम कहीं ना कहीं से पूरी करनी थी। अब वो कहीं ना कहीं से इनकम पूरी करनी थी तो भैया उनको जो होता है वो इंडिया, एक कॉलोनियल रूल था उनका उस टाइम पे, तो उन्होंने इंडिया के अंदर टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए। अब जब टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए तो इंडिया के अंदर जो होता है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पहले से एंगर था, तो वो और एंगर बढ़ने लगा। ऊपर से उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी करना चालू कर दिया, तो एंगर विल आल्सो मोर इंक्रीज। एंड सेम टाइम पे इंडिया इज बीन हिट बाय द इन्फ्लुएंसा एपिडेमिक एंड आल्सो क्रॉप फेलियर, सो इट लीड टू द 13 मिलियन डेथ्स रिकॉर्डेड, 12 to 13 million डेथ्स, बट इट इज मोर अबव द नंबर दैट इज रिकॉर्डेड। दैट्स व्हाई द एंगर इन इंडियाज पीपल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इट लीड्स टू द फर्स्ट हिट ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड फर्स्ट हेड ऑफ रेवोल्यूशन इज लीडेड बाय द महात्मा गांधी विच रिटर्न टू इंडिया इन आपका 1915, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली लिखना है इसमें, और ये पॉइंट्स जब तुम लिखोगे तुम्हारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो सत्याग्रह याद है, रख लेना, 1917 में दो सत्याग्रह, 1918 में एक सत्याग्रह। अब अच्छा बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं इसको, 1917, 18, 19 कर देते हैं। एनसीईआरटी से अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम कन्फ्यूज़ होने का डर है, लेकिन अगर तुम नोट से पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूज़ होने का डर नहीं होता है, ठीक है बने लाल। तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह, फिर खेड़ा में सत्याग्रह, फिर 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह। उसके बाद में रॉलेक एक्ट के ये तीन पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉलेक एक्ट क्या कहता था, रॉलेक एक्ट क्यों लगाया गया था? जब गांधी जी ने ये करा था ना, जब गांधी जी ने ये सत्याग्रह करना काम चालू करे, धड़ाधड़ ब्रिटिश भाई, अबे ये कौन आ गया, अबे कैसे 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 इसको रोको 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 रोको, कैसे रोके, कैसे कैसे रोके, कैसे रोके, कैसे रोके, अरे कैसे रोकना, अरे भाई ये रॉलेक एक्ट निकाल दो, ठीक है। रॉलेक एक्ट निकलता है कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलता है इसका रॉलेक एक्ट। रॉलेक एक्ट के अंदर ये आते हैं तीन पॉइंट्स, एंड पॉइंट इज वॉट कि भैया रॉलेक एक्ट ये है कि भैया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में फुल एंड फुल पावर होगी कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकता है, किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन कर सकता है विदाउट द पॉलिटिकल विदाउट द कोर्ट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। और इसमें जो होता है भैया आपका क्या होगा, इसमें आपका ये कहां से पास हुआ था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ था, जो कि आपके ब्रिटिश की सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा आता है, ठीक है भैया, मेरी बात इतनी समझ में आई है। अब रॉलेक एक्ट की वजह से क्या हुआ था, रॉलेक एक्ट की वजह से जो होता है वो सारे के सारे लोगों ने हड़ताल वगैरह चालू कर दी, सिविल डिसऑबिडियंस चालू हो गया, और जो होता है हड़ताल चालू हो गए, इसमें भैया रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, बहुत सारी चीजें हुई, महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया दिल्ली में एंटर करने से, और 10 अप्रैल को भैया अमृतसर में वो चीज़ चालू होती है, जिसकी वजह से होता है आपका इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट में तुम्हारी एनसीईआरटी की मिस्टेक बताता हूँ, देखो ध्यान से ज़रा। हाँ, यह हुआ था भैया 13 अप्रैल में हुआ है आपका इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर लार्ज क्राउड गैदर था भैया, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। यहाँ पर कुछ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स की वजह से, कुछ आए थे यहाँ पे बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए। यहाँ पर जो होता है आउटसाइड द कंट्री, यहाँ पर कुछ लोग जो होता है भैया अनवेयर थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो गया है। डायर यहाँ पर एंटर करता है, कौन एंटर करता है, यहाँ पर डायर एंटर करता है, एग्जिट को ब्लॉक कर देता है, क्या करता है भैया एग्जिट को ब्लॉक कर देता है, ओपन फायर करता है क्राउड पर, ठीक है, क्राउड पर ओपन फायर करता है, हंड्रेड्स को मारता है, कितों को मारता है जरा ध्यान से देखना, किलिंग हंड्रेड्स, ठीक है। पर असल में क्या हुआ था, आप आगे की और हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे तो व्हाट यू डेक कि वहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है, व्हाट यू टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, दैट इज कि आपका कितने लोग थे वहाँ पे, 20,000 लोग इकट्ठा थे, 90 सोल्जर्स की पूरी इन्फेंट्री आई थी, 2 armed vehicles आए थे। लेकिन भैया आपका जलियांवाला बाग का जो मेन गेट है, जो मेन गेट है वो इतना बड़ा नहीं है कि आम व्हीकल अंदर आ सकें, इसलिए भैया यहाँ पे 90 सोल्जर्स आए थे, और 90 सोल्जर्स ने 10 मिनट तक ओपन फायर रखी थी, 10 मिनट तक अल्टीमेट फायर नहीं रखी थी, जब तक कि सारा का सारा एम्यूनेशन एग्जॉस्ट नहीं हो गया। तो भैया इसमें थाउजेंड्स की डेथ हुई थी, ना कि हंड्रेड्स की डेथ। लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी का लिखना है तो हंड्रेड्स लिख देना, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो,
टीचर विल इम्प्रेस, ओ ये ठीक है, टीचर के आंसू निकल जाएंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है। इतना बड़ा वाला जो होता है वो एकदम थम्स अप दिखाएगा, इसमें तो कुछ और दिख गया था, ओ शिट, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इमेज ये आ जाती है, ये सत्याग्रहीज हैं, इसको नीचे रगड़वा रहे हैं, ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, पीछे पूरा पूरा साफ सुथरा दिख रहा है, मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज एनालाइजेशन है, ओके चलो। प्लांटेशंस में स्वराज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्लांटेशंस ने स्वराज के कॉन्सेप्ट को कैसे करके लिया। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, आसाम के अंदर में हमें देखने को मिलता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स को ये लगा कि क्योंकि वो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बंद थे एक जगह पे, मतलब वो अपनी प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो उनको ये लगा कि भैया महात्मा गांधी ने कह दिया है कि क्या कहते हैं, हम कहीं भी फ्रीली मूव आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब स्वराज आ रहा है, स्वराज का मतलब उन्होंने ये लिया कि भैया अब हम आपके प्लांटेशन के अंदर बंद नहीं है, अब हम पूरा का पूरा मूव आउट कर सकते हैं, तो इसलिए जो होता है वो प्लांटेशन को छोड़ के चल दिए, तो लेकिन रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया और बहुत मारा, ठीक है। हाँ, अब जो होता है यहाँ पे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपका जो होता है भाई, क्या यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस जो होता है वो क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे आपका ब्रिटिश के डोमिनेंट स्टेटस को जो होता है वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंदर लाहौर कांग्रेस सेशन में भैया पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, डिमांड ऑफ किसकी, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है। लाहौर कांग्रेस सेशन के अंदर डिमांड हुई थी किसकी, पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि भैया यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे, जब जो होता है भैया यहाँ पे प्लेज करेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो होता है भाई, आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट मार्च इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था भैया, गांधी ने इरविन को लेटर लिखा था, इरविन ने वो डिमांड्स को देना डिमांड्स नहीं दी, जो डिमांड्स 11 डिमांड्स उन्होंने लिखी थी वो डिमांड्स इरविन ने नहीं मानी। अब जब इरविन ने वो डिमांड्स नहीं मानी तो महात्मा गांधी भैया चल दिए, कितने फॉलोअर्स के साथ चले थे, 78 फॉलोअर्स के साथ जब पहुंचे तो हजारों थे, ठीक है। तो ये इरविन पैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्ट मार्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन पैक्ट भी एक बार पढ़ जाना, हो सकता है उससे भी क्वेश्चन उठ जाए, ठीक है। कलेक्टिव बिलोंगिंग के अंदर ये है भैया, इमेज एनालाइजेशन दे सकता है, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखी भैया, ओके, बानगिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये वंदे मातरम लिखी है, और इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ब्रिटिश और इंडिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये सब एनालाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है। आइए ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं भैया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये वाला कॉन्सेप्ट, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस, ये मत सोचो कि ये रिप्लेस नहीं हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन इनका टाइम इतना ज़्यादा होता है कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ भी जिंदा होंगी ठीक है, तुम्हारी मतलब कई हज़ार साल लगते हैं, तो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ भी मार्स वगैरह या जुपिटर वगैरह या कौन सी प्लैनेट नेपच्यून वगैरह पर रह रही होंगी, ठीक है। तो तब फॉसिल फ्यूल जाके क्या कहते हैं वो होंगे, रिप्लेनिश होंगे, जब तक पता हो सकता है। हमारी जो होता है वो अर्थ ही की जय हिंद कर दें भाई, जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि सुधरते वाले हैं नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ये बात याद रखना है ना, 12 to 22 किलोमीटर्स या 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आप नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बोले तो ये कि हमारा ये इंडिया है, ठीक है, बहुत बेकार बना है, हमारा ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के ये जो सी बॉर्डर है, सी बॉर्डर से 12 से 22 किलोमीटर तक जितनी भी रिसोर्सेज होंगी, सोना, तेल, मिट्टी, जे वो ये वो ये, हीरा, चांदी, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया के होंगे। उसके बाद सेज होता है, या SEZ कहते हैं इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या भैया आपकी फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज आती हैं। तीन रिसोर्सेज हैं जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा डाउट होता है और यही पूछता है टीचर, बहुत ज़्यादा टीचर भी बहुत चालाक होते हैं हमारे। अब अगर टीचर ये पेपर लीक देख रहा तो मैं आपको नहीं कर सकता था, ठीक है। अब तुम्हारे टीचर के, तुम्हारी बदकिस्मती होगी कि तुम्हारे टीचर साहब भी यहाँ पे स्कूल वाले ये पेपर का लीक देख लें, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। टीचर में मत शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, तुम ये सोचो सर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, गलत बात है। पोटेंशियल रिसोर्स डेवलप रिसोर्स, ठीक है, चलो। स्टॉक रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में तुम्हारी दिमाग ख़राब होता है। हाँ देखो, हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुन मेरे जान, यहाँ पे भैया, यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे मेन ही चीज़ नहीं है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है,
जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, इसमें ऐसे करके यहाँ पे H2 और O निकाला जा सकता है, क्योंकि ये H2 हाइड्रोजन जो होता है एक फ्यूल की तरह काम करेगा। लेकिन इसके लिए भैया लार्ज स्केल के लिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लार्ज स्केल के लिए टेक्नोलॉजी नहीं आई है। उसके बाद की बात करते हैं, आओ, रियो डी जनेरियो अर्थ समिट एजेंडा 21 इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा ऐसी छाप के आओगे, मतलब पूरा मतलब ऐसे में छाप के आना, ठीक है। यहाँ पे ये करना कि भैया क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका मतलब एम्स क्या है, यहाँ पे एम है भैया इसका डायरेक्ट, तो मैं इतना लिख के आना है एजेंडा 21 कहाँ पे हुआ था, ये 1922 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन UNCD, ठीक है। यहाँ कहाँ हुई थी भैया, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। यहाँ पे अचीविंग था गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, एजेंडा टू कॉम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज पॉवर्टी डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, बस खत्म, इतना लिख के आओगे, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन प्लानिंग एंड मैचिंग ऑफ रिसोर्स, ओके। और उसके बाद में जे, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका एलिवल, ये आपका माउंटेनस सॉइल, ये आपका एलिवल का हिस्सा, फिर ये आपका ब्लैक का हिस्सा, फिर रेड सॉइल का, फिर ये थार डेजर्ट वगैरह का हिस्सा, ये गंगा प्लेन्स के पूरी बात है। तो यहाँ पे एलिवल सॉइल होती है, इसमें दो होती हैं, भंगर होती है, खादर होती है, ठीक है, हाँ जी, ओके। अब यहाँ पे ये आसाम तक जा, ये इधर मतलब मिजोरम वगैरह तक भी जाती है, ठीक है। और इधर भैया ये आपका रेड सॉइल का हिस्सा है, फिर यहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल है। लेटराइट मतलब जो होता है वो इंसान क्या कहते हैं, पानी ज़्यादा हो गया है तो लीचिंग की वजह से बनती है ये, ठीक है। गुजरात के अंदर ब्लैक सॉइल है, एलिवल सॉइल का भी हिस्सा है, ठीक है। एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला जो तुमसे पूछता है वो है झूमिंग कल्चर। सिलेशन मैन को अलग अलग हिस्सों में कैसे नाम देते हैं, ठीक है, तो इसमें से पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा सर इसमें से, सिलेशन मैन एग्रीकल्चर को मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, ये इंपॉर्टेंट है, और रे इन वियतनाम, ठीक है, ये तो बड़ा खतरनाक नाम है भाई। अगर इसको ले दिया तो भाई तुम लोग इसका मजाक बनवा दोगे, ठीक है, चलो, हाँ, नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब धैया इन मध्य प्रदेश इम्पॉर्टेंट है, पोड़ू व पेंदा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बस इतने याद कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बस ठीक है, बस इतना, ओके, ये याद कर लेना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट, राबी जैद और खरीफ, इससे ये मत छोड़ना, ये आना ही आना, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं आ रहा तुम्हारा क्या? अगर एग्रीकल्चर नहीं आ रहा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो कुछ भी नहीं है, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर और जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम और क्या कहते हैं उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, आपका अनक्लास फॉरेस्ट और जो होता है क्लास फॉरेस्ट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस इतना पढ़ जाना। अगर ये चैप्टर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोइंग सीजन क्या है, विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, वीट बारले पीस ग्राम मस्टर्ड, ये है। और फिर इस तरीके से जैद आता है बिटवीन में, वाटरमेलन मक्समेलन, खरीफ सितंबर से अक्टूबर, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। राइस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना, ओके। और फिर उसके बाद में आता है ज्वार, बाजरा, रागी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ज्वार है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में भाई आपका रेन फेड क्रॉप है, ये ज्वार के बारे में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ओके। अब रागी के बारे में बात करते हैं, ड्राई रीजन की क्रॉप है, ये कहाँ उगती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी वगैरह तुम सब जगह डाल सकते हो, महाराष्ट्र हर जगह डाल सकते हो, महाराष्ट्र में सब होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह भी। एग्जाम्पल्स को अंधाधुंध मारा करो, ठीक है, आओ। रबर फाइबर जूट एंड कॉटन एंड जूट में से, इनमें से ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉटन इंपॉर्टेंट हो सकता है या जूट का, ये पूछ सकता है गोल्डन फाइबर, ठीक है, जो विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, 5-ईयर प्लान वगैरह, एग्रीकल्चर फाइनेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, स्पेशल वेदर बुलेटिन, MSP वगैरह, जिसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा था, दैट इज दी MSP, ठीक है, किसान की क्रांति वगैरह हुई थी। अब चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग की बात करते हैं, पावर शेयरिंग में बेल्जियम का कंपोजिशन बहुत अच्छे से याद रखना, 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो कि डच बोलते हैं, 40% वेलनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं, कैपिटल में जस्ट अपोजिट है, ब्रसल्स में 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं, ठीक है, ओके। और एक ये है भैया नोट पॉइंट है, माइनॉरिटी जो होता है वो पावरफुल है और मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्या अमेंडमेंट हुआ था ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ब्रसल्स के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ था, कैसे करके हुआ था, श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर ये मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एथनीज कम्युनिटीज़ कितनी हैं, मेजॉरिटेरियन मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेन मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है ये तुम्हें याद रखना है, मेजॉरिटेरियनिज्म, ये ग्लॉसरी में जो दे रखा है, आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स,
ये तो तुम्हारा आना ही आना है, ठीक है, डन वाला मामला है ये, और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इतनी बात तो तुम अपने दिमाग में बिठा लो। ओके आओ आगे बढ़ते हैं। मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था श्रीलंका के अंदर, कि भैया श्रीलंका तमिल्स इंडियन तमिल्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था क्या नहीं था, ठीक है। ओके अब यहाँ पे पावर शेयरिंग की नीड्स के दो रीज़न, एक प्रूडेंशियल रीज़न एक आपका मॉरल रीजन्स, याद रखने हैं। प्रूडेंशियल रीजन्स क्या है भैया ये, ठीक है, कि भैया एक अच्छे आउटकम निकले। मॉरल रीजंस क्या है कि भैया वैल्यूएबल है, स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है, और आपका क्या कहते हैं कैसे गवर्नेंस होती है उसको ये प्रमोट करती है, तो मॉरल रीजन हो गया भाई, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को बनाती है। और दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट आने ही आना, इससे तुम नहीं बच सकते, ठीक है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, मतलब एक ही आपका लेवल पर जब पावर्स डिविजन्स होती हैं, मतलब जिस पर कोई भी आपका अलग, मतलब कोई भी किसी के पास पावर कम नहीं है, ऑल हैव द सेम पावर, मतलब यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस चलता है, तो दैट इज आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद में एडवांटेजेस के क्या हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑफ फेडरलिज्म के अंदर आ जाओ। फेडरलिज्म में सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बीच में तुम्हें डिफरेंसेस लिखने हैं, क्या डिफरेंसेस होंगे भैया, डायरेक्ट ये डिफरेंस जो होता है वो लिख देना, ठीक है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इससे भाई क्वेश्चन आता ही आता है, ये सिर्फ तुम्हारा, ये तो भैया आपका मेन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके मेन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट याद रख लेना, लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड करिकुलर लिस्ट के सब्जेक्ट्स, एक एक्सेप्शन है एजुकेशन, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, एजुकेशन तीनों में है, ठीक है। ओके और फंडामेंटल राइट्स वगैरह तीनों में है, ये चीज़ याद रखनी है आपको वेरी वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड आपका जो होता है वो आपका लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ये डायरेक्ट आता है कि भैया पावर एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, अगर एक जगह पावर इकट्ठा होती है इट इज़ हार्म फॉर द डेमोक्रेसी और मोनार्की का स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में तो ये पूछना ही उसे कि भैया यहाँ पे जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लेवल क्या होता है। देखो मान लो कि बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, बहुत सारे गांव मिलके, गांव प्लस गांव प्लस गांव प्लस गांव प्लस जी प्लस जी प्लस जी, बहुत सारे गांव मिलते हैं, तो भैया ग्राम पंचायत विलेज लेवल की होती है, ठीक है, या जिसे हम लोग पंचायत ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, ये विलेज लेवल की होती है, बहुत सारे गांव होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे गांव, ठीक है, अलग अलग गांव की अपनी अलग अलग ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति में जब ये ग्राम पंचायत होती हैं प्लस ग्राम पंचायत बहुत सारे गाँव की ग्राम पंचायत जब मिल जाती हैं तो वो पंचायत समिति हो जाती है, ठीक है। अब जब बहुत सारी पंचायत समिति मिलती हैं तो वो जिला परिषद होता है, ठीक है। मान लो तुम्हारा 9th में चैप्टर था पालमपुर विलेज, पालमपुर मान लो बहुत सारे पालमपुर हैं तो हर पालमपुर की अपनी क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी, पालमपुर ग्राम पंचायत, उसमें एक नाम था रायगंज, ठीक है, रायगंज क्या था वहाँ का आपका तहसील मान लो, ठीक है, तहसील मान लो, या नहीं वहाँ का जिला मानते हैं हम रायगंज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रायगंज। ओके अब पालमपुर गाँव है, उसके पास में एक बड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है जिसे हम लोग तहसील कहते हैं, ठीक है, तहसील कहते हैं। अब तहसील मान लो जो होता है, तहसील है आपका मकनपुर, ठीक है, अब मकनपुर तहसील पालमपुर गांव, ठीक है, पालमपुर गांव की हर गांव की होगी ग्राम पंचायत, जब वो ग्राम पंचायत इकट्ठा होकर तहसील जाएंगी तो वो तहसील कौन सी है, मकनपुर तहसील, मकनपुर तहसील बनेगी आपकी ब्लॉक लेवल पे, जैसे हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। अब बहुत सारी मकनपुर तहसील जो है वो सारी की सारी आती कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट रायगंज के अंदर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट रायगंज मकनपुर तहसील गांव पालमपुर, तो ऐसे करके तुम लिखते हो ना, तो अब बहुत सारी ऐसे ही जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी तहसील वगैरह आती हैं वो जब मिल के जाएंगे तो वो जिला परिषद बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, ठीक है। अब पूरा समझा ही दिया तुमको, ठीक है। डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम आना ही आना है भाई। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। अदर क्राइटेरिया देन इनकम, इसमें आपका ये चीज़ें आती हैं, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, लेकिन जो होता है भैया यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियोस, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपकी पूछी जाती है। इसके अंदर क्या क्या लिया जाता है, इसके अंदर लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल को लिया जाता है। इंडिया की कितनी रैंक थी भैया 2018 में इतनी हो गई, और यहाँ पे जो होता है वो 2020 में 131 हो गई, अभी तो और नीचे चली गई है।
आप नेक्स्ट है आपका जो होता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कहाँ ये चैप्टर नंबर सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स का, हो सकता है इससे पूछा जा सके, या हो सकता है तुम्हारा और कोई चैप्टर आ रहा हो, मैंने ये वाला चैप्टर लिया, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये वाले चैप्टर में से भी आएगा, और बाकी तुम बता सकते हो मुझे कौन सा चैप्टर होगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारा उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम्हें रिस्पॉन्ड में दे दूंगा, ठीक है, कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, प्राइमरी सेकंड प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर आपका जो होता है टर्शियरी सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी या एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकती है, चार पॉइंट्स है, पाँच नंबर में पूछा जाएगा। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है, एंड दैट्स ऑल। अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चे पाड़ी, यहाँ पे आपका फुल पेपर मैंने लीक करा है। अब जनाब आपके पढ़ाई एक मज़ा पे आपके हर नोट्स मौजूद है, ठीक है, आप जो होता है जाओगे देखोगे सारे के सारे नोट्स मौजूद हैं, जो जो नहीं आ रहे हैं, जैसे ये जो नोट्स हैं ये अभी आना हमारे बाकी रहेंगे फेडरलिज्म वगैरह के, जनरल एजन कास्ट के, ये बहुत जल्दी आपके प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए जनाब अगर आप चैनल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा होम पेज के अंदर, अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा टैब आ रहा है इसको ऐसा कर मत करना, डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल मारना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले बेस्ट SST नोट्स, इसके अंदर सारे तुम्हारे हाफेली एग्जाम तक के नोट्स मैंने डाल दिए, ठीक है, देख रहे हो सारे नोट्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करोगे बेस्ट साइंस नोट्स, ठीक है, यहाँ पे भी सारे साइंस के हमने नोट्स आपके डाल ही दिए हैं। बाकी आप इधर आओगे तो भैया हमने बहुत सारी चीज़ें और करी हैं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो। ओके, सो या आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं बचपाड़ी, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक करना है यार एक वीडियो को, नया आ रहा है तो सब्सक्राइब, ठीक है। और बताओ कौन से सब्जेक्ट का पेपर लिख जाते हो, साइंस का तो मैंने कर दिया था, बाकी तुम बताओ कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, तब तक के लिए।